तस्वीरें देख सकते हैं, मतदान मतदान जो है शुरू हो चुका है। पहला वोट डालने केंद्रीय मंत्री में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं। पहला वोट डालने इस समय आप देख सकते हैं रामनगर प्रेमनगर में स्थित जो मतदान केंद्र है वहां पहला वोट डालने पहुंचे हैं। क्या अपील करेंगे सर? उत्सव में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक उत्साह से हमारे लोग हमारे वोटर हमारे कार्यकर्ता को वोट डालना शुरू करेंगे अब 7 बजे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और एक नया रिकॉर्ड हरियाणा का ये बनेगा। आज लोगों से क्या अपील करेंगे? जल्दी से जल्दी वोट डालना चाहिए उनको क्योंकि सरकारी छुट्टी है, लेकिन सब व्यापार करने वाले लोग दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद आकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे और जहां तक मेरी जानकारी है प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहली की तरह पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो ऐसी मेरी सबसे पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय अपना वोट डालने पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर निराशा छाई हुई है सर। तो इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं पूर्व सीएम एम मनोहर लाल खट्टर इस समय वोट डालने पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। डालने में कोताही न बरते, सब लोग अपना वोट डाल करके उसके बाद ही अपने काम धाम पर जाए। तो तस्वीरें देख सकते हैं पूर्व सीएम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। मैं पूरा विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में कायम होगा सर। लेकिन आपके आपकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रतिद्वंदी घर में निराशा है, निराशा से झल्लाए हुए हैं और झल्ला करके तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं। उनका कहना है कि भारी बहुमत से वो जीत रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, जनता फैसला करेगी उनके हाथ में। तस्वीरें देख सकते हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय अपना वोट डालने पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं अपना वोट डालने समय पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री जीत रहे हैं, करनाल बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय अपना वोट डालने पहुंचे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं जल्द से जल्द बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं इस तरह का दावा पेश करते हुए। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय अपना वोट डालने पहुंच चुके हैं। लाइव वीडियो देख सकते हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय अपना वोट डालने पहुंच चुके हैं करनाल के प्रेमनगर में स्थित मतदान केंद्र में। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय आप देख सकते हैं अपना वोट डालने इस समय करनाल के प्रेमनगर में पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज। आप सभी लोगों से अपील करता है कि जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर डालें। तमाम लोगों से हमारी अपील है जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकलें, वोट जरूर डालें, एक अच्छी सरकार चुनने में अपना रोल अदा करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पूर्व सीएम वे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वोट डालने पहुंचे हैं और भी लोग आप इस समय देख सकते हैं। तमाम लोग जो हैं अपना अपना वोट डालने पहुंच चुके हैं, लाइनों में लगना शुरू हो चुके हैं। लगातार आपको पल पल के अपडेट आगे भी दिखाते रहेंगे। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं प्रेमनगर से, प्रेमनगर स्थित जो मतदान केंद्र है जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना वोट डालने सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गए। आप देख सकते हैं अपने बूथ पर पहला वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है पूरा आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सभी लोगों से अपील भी की है शांति और भाईचारा बनाकर रखें और जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। यह बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम जो है किए गए हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हर खबर आपको सबसे पहले इसी तरह से दिखाते रहेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।